भाई जिंदगी में आपने सबसे बड़ा पाप क्या किया है? इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने। क्या? और उससे भी बड़ा पाप मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। भाई इंजीनियरिंग से क्या प्रॉब्लम है आपको? आज मैं तुझे बताऊंगा अपनी दुख भरी दास्ता। तुझे पता है 12वीं तक मैं इतना तो जान गया था कि कंप्यूटर और आईटी में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, मैकेनिकल और सिविल में गया तो छोकरी नहीं मिलेगी, बेंचो जाए तो जाए कहा। फिर हमारे चाचा मामा या मौसी का आइंस्टाइन बेटा पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है, खुद के चार पांच सब्जेक्ट बैक होते हैं और हमें सलाह देगा कि भाई मैकेनिकल में जा, बहुत स्कोप है। स्कोप, ये स्कोप शब्द सुनकर बात ही खत्म हो जाती है। हमारे घर वालों को स्कोप सुनकर तो ऐसा लगता है जैसा अपना बेटा अंबानी बनेगा। छोकरी गई भाड़ में, तुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेना है। भोसडी का खुद तो डूबता है, हमें भी साथ में ले जाता है। माँ कसम उस मुच्छड़ गांडू को मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। तुझे पता है हम मैकेनिकल और सिविल वालों को लड़की के नाम पर एक बूढ़ी प्रोफेसर मिलती है सिर्फ। हमारे जिंदगी में सिर्फ लौंडे लिखे होते हैं, लौंडे। रात को सपने भी हमें लौंडे वाले पढ़ने लगे। अब जो लोग आईटी और कंप्यूटर में जाते हैं उनमें से 90% लोगों को घंटा पता नहीं होता कि बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट क्या है। कल मैंने एक कंप्यूटर के लौंडे से पूछा, भाई ये रेशमा कौन है? रेशमा? हाँ वो दूसरी वाली बेंच पर बैठती है ना, काले बाल काली आंखें काली। हाँ बस 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 बस। और दीपा? दीपा हाँ वो गन्या की आइटम है ना, काली आंखें काले बाल काली। अच्छा अच्छा। बिल गेट्स? सर अभी बाहर गए, आएंगे थोड़ी देर में। तेरी बहन का माइक्रोसॉफ्ट मारा, काली आंखें काले बाल, जा जाके अपना मुंह काला कर ले। दुनिया में सबसे बेहतरीन एग्जाम कोई देता है तो वो हमारे इंजीनियर। एग्जाम का टाइम टेबल 3 महीने पहले ही आ जाता है, फिर भी हमारा इंजीनियर रात के 12 बजे फोन करके पूछेगा, भाई पेपर कौन सा है कल? 12वीं तक हमारे पेरेंट्स पूछते थे कितने परसेंटेज आए, 80 या 90, और अब पूछते हैं कितने बैक लगे, 2 या 4। बेंचोत मैंने कॉलेज की इतनी फी नहीं भरी होगी जितनी एग्जाम फॉर्म की भरी है। एडमिशन के टाइम हर कॉलेज हमें बताएगा कि हमारे पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, गूगल फरारी मर्सिडीज। फिर लास्ट ईयर को हमको पता चलता है कि उन्होंने हमारा गंदा वाला छुटिया काटा है। मर्सिडीज दिखाकर रिक्शा फिटिंग का जॉब मिलता है, वो भी पूरे 300 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को। बाकी बचे 297 बच्चों का फ्यूचर पोपट लाल के लन जैसा लटकता रहता है। इंजीनियरिंग के हर क्लास में तुझे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्लास के सारे बच्चे क्लास बंक करके छुट्टी लेकर घर जाते, सिवाय एक मच्छर की गांड के। ये भोसडी का वो मच्छर होता है जो इंसानों का नहीं मच्छरों का खून पिएगा। ऐसा मच्छर अपने आप को टॉपर बताता है। इनको ऑर्गेज्म कैसे होता है पूछो तो, इट इज डिफाइंड एज से स्टार्ट करेंगे, सुहाग रात के दिन भी पूरी प्रोसीजर रट्टा मार के जाएंगे ये लोग। बेंचोद ये न्यूटन और आइंस्टाइन कहाँ मिलेंगे बता मेरे को, दुनिया के करोड़ों बच्चों की खोलकर मारी इन महाचुतियों ने। ये दो लोग इंजीनियर्स के शाकाल और मोगैम्बो है, इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं इंजीनियर्स का। पहला ये न्यूटन, अबे भोसर पप्पू, पेड़ से सेब सर पर गिरा तो खा लेता या गांड में डाल देता? वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा ये जानना जरूरी था क्या? गांड में उंगली करने की आदत जाती नहीं इनकी, सेब नहीं नारियल गिरना चाहिए था नारियल। भेंचो तो वही मर जाता जान छूटती। फिर आया ये आइंस्टाइन, यहाँ बच्चों को ठीक से ABCD बोलनी नहीं आती, ये बंदर उसके इक्वेशन बनाता है, E=MC² बराबर Engineer=MACHU, वो भी 2 बार। पता नहीं इस असाइनमेंट का इन्वेंशन किस गधे की गांड ने किया, सालों से यही होता आ रहा है। असाइनमेंट मिलती रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा बेंचो ये असाइनमेंट लिख क्यों रहे हैं हम। स्टूडेंट सबमिशन के लिए अपनी नींद बेचकर कॉलेज आते और ले जाते तो सिर्फ असाइनमेंट। लड़कियों ने अपने बाल अपना मेकअप, यहाँ तक कि अपना बॉयफ्रेंड भी बेच डाला और उन्हें भी मिला तो सिर्फ असाइनमेंट। महीनों सालों प्रोफेसर के केबिन के चक्कर काटकर स्टूडेंट खुद बन जाते एक असाइनमेंट और उन्हें भी मिलते है तो सिर्फ एक असाइनमेंट। कंट्रोल भाई कंट्रोल, सनी देओल आ रहा है भाई। बाबा। हाँ वत्स। मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई है, आगे क्या करूँ? ये इसके लिए भी एक चटाई डाल रहे अपनी बिरादरी का।